नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश कुमार है। आज है 27 तारीख और कर लेते हैं दैनिक योग, सबके लिए योग। आज शुरुआत करते हैं तितली आसन से। सीधे बैठ जाइए इस प्रकार से और अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा पैरों को पीछे की तरफ खिसकाएंगे इस प्रकार से और धीरे धीरे इस आसन को करेंगे। तो शुरू में इसे धीरे धीरे करना है, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो इसे थोड़ा तेज कर लेना है। ये है तितली आसन, हमारी ज्वाइंट पैट को मजबूत बनाता है और पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं लगभग दूर हो जाती हैं और गुप्त रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। तो तितली आसन से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। योग हमेशा सुबह दैनिक क्रिया को निवृत्त होकर करना चाहिए। योग सुबह को उठना है और करना है, जिससे कि हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है विभिन्न विभिन्न तरीके से। आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप सुबह उठिए और करिए। योग हमेशा करना चाहिए, हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए, हमेशा नियम से खाना चाहिए, जिस तरीके से आप अपने भोजन को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, मैं हूँ वेजिटेरियन यानी कि शाकाहार। इस तितली आसन को 1 मिनट से 5 मिनट के अवधि तक करेंगे। योग एक कला है, एक संस्कृति है। योग हमारे स्वस्थ होने का वरदान भी है। आप योग को किस नज़रिए से लेते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद में करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम। अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं पश्चिमोत्तर आसन। एक बार हम पीछे हाथ टेकेंगे और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को घुमाना है। कल जो है अखंड ने हमारा ट्राइपॉड तोड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से चिपकाया। तो दोस्तों, सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए पैर से शुरुआत करते हैं। पहले क्लॉकवाइज पैरों को घुमाते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रक्रिया को करते हमें 1 से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना आपकी क्षमता है उतना करिए। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो थोड़ा कम करिए। अगर आप दैनिक करते हैं
तो आप 1 मिनट से 5 मिनट की अवधि तक करेंगे। है ना, ऐसे मुड़ा। घुटने को बीच में से झुलाएंगे इस प्रकार से। ये भी एक सूक्ष्म प्रक्रिया में प्रतिक्रिया होती है। अपने हाथ से पैर को पकड़ेंगे और इसको इस प्रकार से करेंगे। क्यों अखंड करिए? पापा सफल। और इस प्रकार से आप पकड़ेंगे और झुलाएंगे अपने पैर को। आज मेरे साथ है अखंड केशव, योग करने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं। कर बात दो। अभी करेंगे बेटा। कमर सीधी रखनी है, इस प्रकार से आपको करना है। हाथ ऊपर करेंगे और इस प्रकार से आपको झुकना। सांस भरेंगे, फिर से स्वस्थ अवस्था में आना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर फिर से, और कोशिश करना है आप अपने घुटने से माथा टिकाएंगे। ये प्रक्रिया आप 1 से 10 बार तक आराम से कर सकते हैं। चलो वज्रासन में बैठते हैं। इसके बाद में इस प्रकार से बैठिए। कमर सीधे रखेंगे और अपने घुटनों को मोड़कर बैठेंगे, जैसे मैं बैठ रहा हूँ। आप इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। इस स्थिति में आप 1 मिनट से 5 मिनट की अवधि तक बैठ सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। फिर अपने घुटने के बल खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से करेंगे हम पापा ओम करवा लो अर्ध उष्ट्रा आसन। ओम करवा लियो। हाँ, प्राणायाम में भी करेंगे, अर्ध उष्ट्रा आसन के बाद में करो तुम भी। दो से चार बार कर सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन, पीछे की ओर हाथ झुकाएंगे। बाबू घुटने के बल खड़ा हो जा, जैसे मैं खड़ा हूँ। इस प्रक्रिया को
आप एक बार से 5 बार कर सकते हैं। और अब प्राणायाम प्रक्रिया करेंगे पूरी। बैठो बेटा, तुम भी बैठो, ऐसे पकड़ो, ऐसे बस, आंखें बंद करके करना है। ओ लंबी गहरी सांस भरनी है। ओ कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।